नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे लेह लद्दाख के बजट के बारे में और परमिशन जो वहां पर अपन लेते हैं घरदुंगला वगैरह जाने के लिए, उस परमिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए तिवारी ज्ञान चैनल को ऑटोमोबाइल और ट्रेवल्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और ये बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो लेह लद्दाख में हम लोग गए थे तो हमारा वहाँ पर जाने का जो खर्च, आने जाने का जो खर्च आया था वो 50,000 रुपये आया था। तो 12,500 रुपये पर हेड के हिसाब से मानिए उसको, तो 12,500 रुपये पर हेड के हिसाब से, उसमें भी 10,000 रुपये का बताता हूँ मैं आपको कैसे कैलकुलेट। बाकी के जो हमने अननेसेसरी जो खर्च करे हैं उसमें लेंगे, बाकी 10,000 रुपये मेन खर्च था हमारा। सो 20,000 का पेट्रोल लगा, 9,600 के होटल के रूम और 9,600 के क्या बोलते हैं खाने का खर्च हमारा, क्योंकि 800 रुपये सुबह शाम का हमारा खाने का खर्च और 800 रुपये के होटल का जो हमारा खर्च था, मतलब मैंने मोटा मोटा उसका वो बनाया था बाद में हिसाब। सो इतना खर्च मतलब आता था हमारा पर डे के हिसाब से, तो टोटल मिला के आता है 40,000 रुपये मतलब बनते हैं। और 2,400 रुपये हमारे परमिशन के लगे थे, जो हमने खरदुंगला जाने की पेंगोंग वगैरह की जो परमिशन ली थी। तो पेंगोंग तो हम एक्चुअली गए नहीं थे, वापस मतलब आने की काफ़ी इच्छा होने लग गई, तो वापस लौट आते नेक्स्ट ईयर जाएंगे। तो सिर्फ खरदुंगला गए थे तो 2,400 रुपये परमिशन के लगे थे हमारे बस। इसके अलावा जो हमने खर्च करे, जो 50,000 तक के जो अमाउंट तक पहुँचने के लिए जो खर्च होता है, वो हमने अननेसेसरी खर्च करे कि भाई इधर कर लो उधर कर लो, ऐसे इस तरीके से हमने खर्च करे। तो 20,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600, तो मैं आपको टोटल करके बताता हूँ। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600 39,200 रुपये प्लस 2,400 41,600 रुपये, तो 42,000 मतलब 42,000 रुपये जो हमारा वहाँ से मतलब जाकर वापस आने का खर्च है, ठीक है। बाकी जो अननेसेसरी खर्च होते हैं भाई, आप इधर कर लेते हैं उधर कर लेते हैं ये, या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी पर्ची वगैरह वो लेते हैं लेह में जाने के 10-20, इन पर मतलब ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटे मोटे, तो आप एक मोटा मोटा 50,000 रुपये लेकर के चलिए एक। और क्या है कि आप वैसे तो अकेले जाएंगे नहीं, सोलो ड्राइव में तो रियली में बहुत खर्च आता है, लगभग 20-25,000 मान के चलिए एक आदमी का जो खर्च रहता है सोलो ड्राइव में। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप वैसे भी अकेले तो जाएंगे नहीं, आप लोग लेके ही जाएंगे साथ में, तो दो जने जाइए मतलब 4 जने जाइए, 2 बाइक पर जाइए सबसे बेस्ट। इसमें सबसे कम खर्च आता है 4 जनों में, 4 से 5 जाएंगे, 6 जाएंगे तो फिर खर्च बढ़ जाएगा, 3 जाएंगे तो भी खर्च बढ़ेगा। 4 जो रहते हैं ना, 4 लोगों में सबसे कम खर्च, मतलब मैंने जो नोटिस करा कि 4 लोगों में सबसे कम खर्च आता है। तो लेह लद्दाख अगर आप जाते हैं तो 4 लोग साथ मतलब जाइए, तो साथ में लोग रहते हैं तो भी बढ़िया रहता है और तब मज़ा भी ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं बताता हूँ आपको परमिशन के बारे में। तो परमिशन जो है हमें लेह में DC ऑफिस से मिलती है, हिमाचल प्रदेश से जब अगर हम आते हैं मनाली साइड से तो एक परमिशन हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आने की भी लगती है, लेकिन हम इस तरफ से नहीं आए थे तो इसलिए हमारी वो परमिशन तो नहीं लगी, तो इसलिए उसका तो मुझे प्रॉपर नहीं मालूम, शायद ऑनलाइन उसका मिल जाता हुआ परमिशन, बट उसका नहीं मालूम। मैं आपको हमारे खरदुंगला वगैरह की परमिशन के बारे में बता दूँ, क्योंकि हम यहाँ से श्रीनगर वाली साइड से आए थे, तो वहाँ से सिर्फ खरदुंगला जाने के लिए पेंगोंग नुब्रा वैली वगैरह इन जगह, नुब्रा वैली का खरदुंगला से आगे पड़ता है, तो आप नुब्रा का परमिशन बनवा के खरदुंगला पास पे भी रुक सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली परमिशन इसी तरीके का था। तो 600 रुपये पर हेड का हमारा जो मतलब खर्च आया था परमिशन पे, एक्चुअली हमने एजेंट से करवाया था परमिशन, संडे का दिन एक्चुअली गए थे हम, तो हमारे जुगाड़ प्रॉपर बैठ रहे, संडे के दिन वो ऑफिस बंद रहता, तो हमारी जुगाड़ हमने किसी एजेंट से बात करी, तो एजेंट ने बोला कि भाई कल परमिशन बनवा दूंगा, 600 रुपये पर हेड के हिसाब से दूंगा मैं, तो उसने लिया था। वैसे DC ऑफिस का खर्च बताता हूँ, 400 रुपये पर हेड के हिसाब से, 400 रुपये पर हेड के हिसाब से लगता, तो 4 लोग हैं तो 1,600 रुपये लगेंगे, और 20 रुपये पर डे अगर आप 4 दिन के लिए वहाँ जाने वाले हैं नुब्रा पेंगोंग, क्योंकि आप एक दिन में तो सब जगह जा नहीं सकते, तो 4 दिन की अगर आप परमिशन लेते हैं तो 20-20 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लगेंगे। तो जैसे 4 दिन है तो एक आदमी 80 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो 320 रुपये 832 वो
और 1600 रुपये ही है, तो 1920 रुपये में आपकी परमिशन बन जाएगी। और ये डीसी ऑफिस लेह से बनती है ये परमिशन, और उसके अलावा हमको कहीं भी मतलब जाने के लिए परमिशन वगैरह नहीं लगती है। बस ये खरदुंगला लेह से जो रास्ते जाते हैं, खरदुंगला जाओ, पेंगोंग जाओ, पेंगोंग तो कारू से रास्ता निकलता है, लेकिन इन जगह जाने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लेह लद्दाख का बजट और परमिशन वगैरह के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।